दानापुर थाना क्षेत्र के मछुआ टोली स्थित एक निजी अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने के कारण 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भूषण के साधु शैलेश राय ने बताया कि दियारा क्षेत्र के तिवाली टोला निवासी भूषण राय को हर्निया के ऑपरेशन के लिए 1 सितंबर को मछुआ टोली स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन अस्पताल में ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन के बाद जब स्थिति उसकी बिगड़ने लगी तो उसे रामनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर भी भूषण की हालत बिगड़ने के बाद कुर्जी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर बुधवार की देर रात उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना पर गुस्साए परिजनों ने बुधवार की सुबह में दानापुर स्थित निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही के कारण भूषण को ऑपरेशन के बाद हालत गंभीर होने के बाद निजी नर्सिंग होम रामनगरी में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और कुर्जी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 1 तारीख का यहाँ पर हर्निया का ऑपरेशन हुआ। अच्छा। यहाँ से सांस उनका चलने लगा, उनका ऑपरेशन हो गया था। लोग वहाँ पर से अंदर रोड में भर्ती किया, हॉस्पिटल का रेफर करके वहाँ पर भी ज्यादा पैसा के डिमांड करवा दिए। एक दिन में 1,40,000 रुपए उस अस्पताल में, एक दिन में 1,40,000 रुपए के वहाँ डिमांड करके, वहाँ पर भी कोई रोगी का अथी नहीं था, सुनवाई नहीं थी, वहाँ कम पोजिशन रोगी सारा किया पर कोई नहीं हो रहा है कुछ। तो हम लोग होली फैमिली को भर्ती कर, होली फैमिली के डॉक्टर बताया कि यहाँ पर गलत ऑपरेशन किया है, नस काट दिया है, कागज नहीं दिया है, रिपोर्ट नहीं दिया है, रिपोर्ट नहीं दिया है, गलत ऑपरेशन किया है, होली फैमिली के घर घर लोग बताए। हाँ, तो वहाँ मृत्यु हो गई। कितने तारीख का तबीयत खराब हो गया है और ये कोर्जी में बिना यहाँ से ट्रांसफर किए हुए रामनगरी की तरफ घुमा रहा है। सर्जरी यहाँ किया था, सर्जरी यहाँ किया था, जिसमें ये फिजिशियन डॉक्टर है और ये सर्जरी किए हैं। ओपीडी का जितना टोटल रिपोर्ट जब मांगा गया तो ओपीडी का ये रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं अभी आज के डेट में का, जिस दिन ऑपरेशन किए थे। और कोर्जी हॉस्पिटल का जब डॉक्टर इनसे मांगा गया कि किडनी में इन्फेक्शन कैसे, विदाउट किडनी का इन्फेक्शन बताए हुए ऑपरेशन कर रहे हैं और लार्ज इंजेस्टाइन का जो इनका आंत में फंसा हुआ था वो बोल रहे हैं कि पहले से ही आंत में फंसा हुआ था। अगर पेशेंट हरोडिया का है तो आंत में फंसने तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आना चाहिए, जिसमें ये अल्ट्रासाउंड में ये रिपोर्ट नहीं है। तो मतलब ये 1 तारीख को एडमिट हुए थे, सर्जरी है 2 तारीख की हुई थी। हाँ, बिना जांच किए हुए ये फिजिशियन डॉक्टर होके सर्जरी किए हैं, जिस कारण ये पेशेंट यहीं पर एक्सपायर कर किए हुए है और इसको लेकर रात भर ये आदमी घूम रहा है इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, इसमें लिखा पोती करने के चक्कर में ये अपना किए हुए है। क्या चाहते हैं अभी इसको, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ऐसा ऐसा क्लिनिक को बंद किया जाए नाम बताइए, और मुआवजा इसको हर हाल में मुआवजा 25-40 लाख रुपए इसको मिलना चाहिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं नासरीगंज का बसिंदा हूँ। कौन लगे आप मृतक? मेरा वो साला है।